फ्रेंड्स, एआर जगुरु चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपको मैं बता रहा था चुनाव प्रक्रिया की जो चरणबद्ध जानकारी है उसमें चार वीडियो कंप्लीट हो गए थे, जिसके अंदर चौथा वीडियो आप देख रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट था। अगर आपने ये नहीं देखा तो ज़रूर देख लें, क्योंकि इलेक्शन के समय में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो इसी के अंदर आती है कि अलग अलग तरह के वोट कौन कौन से होते हैं। तो आप ये ज़रूर देख लें, और इससे पहले वाले पुराने वीडियो आप ये देख रहे हैं। यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया की जो मतदान अभिकर्ता का है और जो PO1 PO2 और PRO जो हैं उनके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो तीनों मशीनें हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट जो है ये सारे क्लियर हो गए हैं, यहाँ पीठासीन अधिकारी से लगाकर और ये टेस्ट वोट तक के, और आगे काफ़ी सारे पॉइंट जो है अपन पॉइंट टू पॉइंट अपन चलेंगे। आज की इस वीडियो में आपको तीनों मशीनें जो हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर फिर भी अगर इसमें रहा वीडियो की शायद ज़्यादा नहीं हुई तो आपको विभिन्न सील और टैग जो है उनके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में मॉक पोल प्रमाण पत्र वगैरह ये सारी वीडियो अपने चलेंगे। ये वीडियो जो आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो चलिए शुरुआत करते हैं मशीनों की जानकारी। ये जो आप देख रहे हैं ये हैं तीनों मशीनें, और ये जो आप पहला देख रहे हैं ये है CU जो होती है कंट्रोल यूनिट, उसका जो बॉक्स होता है वो इस तरह का होता है, आपको इस तरह से मिलेगा। ये बैलेट यूनिट का होता है और ये होता है VVPAT। ये तीनों जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हिस्सा है। बॉक्स को जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ये बॉक्स नज़र आता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, आपका समय ज़रूर ज़्यादा हो सकता है लेकिन जानकारी जो आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। ये आप देख रहे हैं ये BU है बैलेट यूनिट, ये आप देख रहे हैं ये है CU कंट्रोल यूनिट, और ये है VVPAT मशीन। ये आप देख रहे हैं ये है BU बैलेट यूनिट जो है, और बैलेट यूनिट के इसमें भाग के अंदर मैं बताऊँगा आपको, जो मतदाता होता है इसी मशीन के जरिए अपना मत है उसका मताधिकार का प्रयोग करता है। बैलेट यूनिट के अंदर जो प्रदर्शित यहाँ पे एक अंक होता है वो दर्शाता है कि कितनी जो मतदान यूनिट जो है वो काम में आ रही है। जैसे कि ये आपको बताना चाहूँगा मतदान यूनिट किस तरह से, मान लो कि इसमें एक के अंदर 16 जो कैंडिडेट होते हैं उनकी लिस्ट होती है। अगर 16 से ज़्यादा कैंडिडेट हो गए, जैसे कि मान लो 20 कैंडिडेट हैं, तो 20 कैंडिडेट होने की स्थिति में दो बैलेट यूनिट होगी, तो यहाँ पे वो जो अंक होता है, जो बैलेट यूनिट की जो संख्या होती है वो यहाँ पे प्रदर्शित होती है। एक साथ आप चार बैलेट यूनिट तक जोड़ सकते हैं, 64 कैंडिडेट तक के जो ये BU है ये आप जोड़ के आप काम में ले सकते हैं। 64 के बाद में जो BU होता है वो ये आप काम में नहीं ले सकते हैं, वैसे इतने कैंडिडेट होते भी नहीं हैं, तो आपको यहाँ पे ये जो बैलेट यूनिट की जो संख्या है वो आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ नज़र आएगी। ये है उम्मीदवार को मत अंकित करने के लिए नीला बटन है, इससे आप जो मताधिकार का प्रयोग किया जाता है जो मतदाता है उसके द्वारा। उसके बाद में जैसे ही मत का प्रयोग किया जाता है, वोट दिया जाता है, वैसे यहाँ पे एक जो बत्ती जो होती है, एक यानी मैं कहूँ कि लाइट जो होती है वह जलने लगती है यहाँ पे, यह वह बत्ती है। और यह है मतपत्र लगाने का स्थान, यानी इस शेड के अंदर जो है मतपत्र लगते हैं, कैंडिडेट होते हैं उनके नाम और उनके निशान जो होते हैं, मतपत्र जो होते हैं वह इस शेड के अंदर लगाया जाता है। और नीचे की तरफ होती है पिंक पेपर सील। जब आपको जो BU मिली है उस BU का आप अच्छी तरह देख लेवें कि ये जो पिंक पेपर सील है ये पूरी तरह से आपको सही अवस्था में मिली है, कहीं कटी फटी और टूटी अवस्था में नहीं होनी चाहिए। तो ये है BU, और ये जो BU है जो मतदान यूनिट है यानी बैलेट यूनिट है, इसका आप यहाँ पीछे की तरफ देखेंगे तो एक इसके जो सीरियल नंबर जो होते हैं उसकी आप अच्छी तरह जाँच कर लेवें कि जो आपको जारी हुई है वही सीरियल यूनिट की आपको बैलेट यूनिट आपके पास है या नहीं है। और इसके साथ साथ ही जो आपको बैलेट यूनिट है उसको जो RO होते हैं, रिटर्निंग अधिकारी जो होते हैं, उनके द्वारा सील किया जाता है, तो वहाँ पे आप यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि जो पिंक पेपर सील और जो एड्रेस टैग हैं ये आपको उसी मतदान केंद्र के लिए मिले हैं क्या जहाँ पे आप जा रहे हैं, या फिर आपको दूसरे मतदान केंद्र के मिल गए हैं, ये भी आप वहीं सुनिश्चित कर लें। इसके अलावा ये और कुछ ज़रूरी बातें हैं ये भी आप देख लें। उसके बाद में अपन देखेंगे CU के बारे में कि इस मशीन में पहले से ही जो मतपत्र जो है ये रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा लगाया जाता है, ये सही ढंग से लगा है कि नहीं लगा इसकी जांच कर लेनी है आपको यहाँ पे जो मतपत्र होता है उसकी। और जो लगा हुआ ये आपके विधानसभा क्षेत्र का ही है, जो आपको विधानसभा क्षेत्र मिला या फिर किसी और का लगा ये भी देख लें। और उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार जो नीले बटन होते हैं ये खुले होते हैं, बाकी जो बटन होते हैं कवर किए होते हैं, तो ये भी आप देख लेंगे किस तरह से ये आपके है या नहीं है। और उसके अलावा जो मतदान अधिकारी के मतदान यूनिट के ऊपर जो रिटर्निंग अधिकारी जो हैं उनकी सील जो होती है वो मतदान दल के द्वारा कभी नहीं खोली जाए, ये आपको सुनिश्चित कर लेने हैं। और ये जो है ये है कंट्रोल यूनिट यानी CU जो है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको जो एक डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पे कुछ भी जो शो होता है वो यहाँ पे शो होता है, ये डिस्प्ले होती है। उसके बाद में यहाँ पे इसके जो क्रम संख्या सीरियल नंबर जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ये भी आप एक बार देख लें, अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें।
बीजी लैंप जो इसका ये होता है, जब ये बीजी होती है यानी जब इसके अंदर बैलेट जारी होता है तब यहाँ पे बीजी लैंप होता है। और यहाँ पे कैंडिडेट सेट सेक्शन होता है, और इसके अंदर एक जो कैंडिडेट सेट सेक्शन के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे जो अलग अलग तरह के आपको बटन मिलते हैं, ये रिजल्ट सेक्शन है, और उसके बाद में ये है बैलेट बटन। इस बटन के द्वारा बैलेट जारी किया जाता है। जब भी कोई मतदाता होता है उसको जब गोपनीय कंपार्टमेंट में भेजा जाता है उससे पहले PO3 जो होता है वो यहाँ से बैलेट जारी करता है। टोटल बटन देखने के लिए यहाँ पे एक अलग से बटन होता है टोटल का, और उसके बाद में ये पिंक पेपर सील होती है, और उसके बाद में यहाँ पे जो एक होता है बैटरी सेक्शन यहाँ पे होता है इसका, और ये इसका पावर बटन होता है। यहाँ से जैसे इसका ऑन करते हैं आप तो यहाँ पे ये लाइट ऑन हो जाती है। तो ये CU की जो बाहरी संरचना है, जो CU है उसके अंदर आपको दो जो सेक्शन है ये ऑलरेडी आपको सील्ड मिलेंगे। एक तो यहाँ पे उम्मीदवार जो सेट बटन होता है, कैंडिडेट सेट बटन जो होता है ये आपको सील किया हुआ मिलेगा रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा, और एक यहाँ पे जो बैटरी होती है ये आपको सील की हुई मिलेगी। और इससे जस्ट नीचे की तरफ आपको ये मिलता है रिजल्ट सेक्शन। तो यहाँ पे आपके सामने तीन बटन होते हैं, यहाँ पे एक तो होता है क्लोज का, एक रिजल्ट का, और एक होता है प्रिंट का। तो यहाँ पे जो रिजल्ट, इसको बोलते हैं रिजल्ट सेक्शन, इसके अंदर आपको ये तीन बटन मिलते हैं, और इसको जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ये बटन है ये आपके सामने शो होते हैं। नया मतदाता जो है उसको मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे जो बैलेट जो होता है इसके ज़रिए तो एक जो बैलेट जारी किया जाता है, और जो मतों की संख्या कितनी हो गई है, कितने वोट हो गए हैं ये जानने के लिए आप यहाँ पे एक जो टोटल बटन होता है उस पर क्लिक करके आप ये जान सकते हैं कि वोट कितने वोट यहाँ पे हो गए हैं। और जो CU है उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ जो एक जो होता है एक बॉक्स बना हुआ है, इसको आप खोलें, उसके बाद में यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जो पावर बटन होता है ये ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो ये थी CU के बारे में। अब जानते हैं अपन VVPAT के बारे में। सबसे पहली बात है VVPAT का पूरा नाम क्या होता है। VVPAT का पूरा नाम होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। और ये जो इस तरह की एक होती है आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह की होती है, और इसके जो व्यू की बात करें तो ये व्यू मैंने आपको यहाँ पे तीनों बताएं। ये फ्रंट व्यू होता है, सामने से इस तरह से नज़र आती है, पीछे से इसका बैक व्यू इस तरह का होता है, और साइड व्यू इसका इस तरह से होता है। अब आपको जो ये VVPAT है इसको पीछे से खोलना पड़ता है। तो आप ये देख रहे हैं इस तरह से आपको यहाँ पे इसको ओपन करना है, या आप यहाँ पे जो प्रक्रिया देख रहे हैं चित्र के अनुसार आपको यहाँ पे ओपन करना है, खोलना है। ये इसलिए खोलना होता है कि इसको बैलेट यूनिट से जोड़ना होता है। ये इस तरह से खुलती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से खुलती है। उसके बाद में ये जो पिन जो होती है, जो केबल होती है, ये आपको यहाँ लगाने हैं, और इस तरह से लगने के बाद में आपको इस तरह से इसको बंद कर देना है वापस। और ये जो साइड के अंदर आपको जगह दी है यहाँ से आप केबल को बाहर आने के लिए जगह दे सकते हैं, और आपको यहाँ पे ये बंद कर देनी है। और उसके बाद में जो VVPAT जो होती है उसके जो प्रिंटर पेपर रोल जो होता है उसको लॉक इस तरह से किया जाता है। ये तो अनलॉक पोजिशन के अंदर है, और लॉक पोजिशन में ये इस तरह से होता है। तो इस तरह से आपको इसके जो पेपर प्रिंटर रोल जो है उसको आपको लॉक करना है। अब आपको इस तरह से कनेक्शन करना है कि BU जो है बैलेट यूनिट की केबल से आपने VVPAT को जोड़ दिया है। अब VVPAT से एक जो केबल निकलती है लगभग 5 मीटर की, उससे आपको CU से जोड़ना होता है। इसको इस तरह से जोड़ते हैं कि जो केबल होती है VVPAT वाली वो ऊपर की तरफ, जो मैंने बताया था ना पावर सेक्शन वाला बटन जो होता है उस कंपार्टमेंट को खोलना है, और आपको ये केबल इस तरह से आपको यहाँ पे लगानी है, और लगाने के बाद आपको ये बॉक्स बंद कर देना है, और ये इस तरह से आपके जो ऊपर की तरफ ये केबल निकल जाएगी और ये उससे जुड़ जाएगी VVPAT मशीन से। और उसके बाद में जब मतदान होता है उस समय पे जो बैलेट यूनिट और VVPAT जो है उन दोनों को एक साथ गोपनीय कंपार्टमेंट में रखी जाए ताकि गोपनीयता बनी रहे। मतदान प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो ये मशीन जो होती है CU जो है कंट्रोल यूनिट जो है ये PO3 जो हैं उनके पास ये रहती है। ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये पूरी तरह से सील होती है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे जो एड्रेस टैग वगैरह है उसके बाद में आपको यहाँ पे इसमें किस तरह से आपको इस तरह सील करना है, ग्रीन पेपर सील है, पिंक पेपर सील, जो भी आपको जो सीलिंग की जो प्रक्रिया है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपके लिए एक उपयोगी जानकारी और आपको देना चाहूँगा कि हमारा प्ले स्टोर के ऊपर एंड्रॉयड ऐप भी है, और इसके अंदर इलेक्शन से संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में एक हमने अलग से सेक्शन बनाया है। उस सेक्शन के अंदर जो इलेक्शन और BLO से संबंधित जो भी आदेश वगैरह होते हैं वो आपको हमने एक जगह इकट्ठे कराए। यहाँ पे ये देख रहे हैं जहाँ माउस का कर्सर है ये स्क्रीनशॉट के अंदर, ये यहाँ पे आपको इलेक्शन और BLO से संबंधित जानकारी मिलती है,
तो इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये शिक्षा जगत के लिए समर्पित एप्लीकेशन है। शिक्षकों, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक वरदान साबित होने वाली एप्लीकेशन है। हमने पूरी कोशिश की है शिक्षकों की और विद्यार्थियों, और स्पेशली रूप से मैं बताना चाहूँगा कि विद्यार्थियों और कंपिटिटर जो हैं उनके लिए यहाँ पे किताबों का भंडार हमने इकट्ठा किया है। काफ़ी सारी जो बुक PDF हैं वो हमने यहाँ पर अवेलेबल कराई है, तो एक बार इस एप्लीकेशन को आप ज़रूर देखें। अगर आपको मशीनों को कनेक्शन करने में, सील करने में और मॉकपोल की प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है इसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अलग से हमने वीडियो बनाया है जिसके अंदर ये बताया है कि VVPAT, BU और CU है उनको किस तरह से कनेक्शन करें, किस तरह से सील करें, और मॉकपोल की प्रक्रिया भी इस वीडियो में बताई है। और ये सारी प्रक्रिया जो है इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पुराने वीडियो जो हैं इलेक्शन से संबंधित, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे PO1, PO2, PO3 जो चुनावी कार्मिक हैं उनकी स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो जब से उनको इलेक्शन ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है तब से लगाकर लास्ट तक उनकी क्या प्रक्रिया रहती है इस वीडियो के अंदर बताया है। और उसके बाद में यहाँ पे पीठासीन अधिकारी जो PR हैं उनके लिए अलग वीडियो है। PO1, PO2, PO3 के कौन कौन से कर्तव्य हैं उनके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, ये आप देख रहे हैं। और उसके अलावा जो पोलिंग एजेंट है उसके लिए अलग से वीडियो, ये सारे वीडियो जो हैं टेस्ट वोट चैलेंज वोट, इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना है। ये वीडियो जो है, क्योंकि ये वीडियो जो है ये बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि वहाँ पे जब इलेक्शन के समय समस्या आती है तब आपको पता नहीं होता है, तो आपको थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो आप इनको देख लें कि किस किस तरह के कौन कौन से वोट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।